Dear student, good morning all of you. And how is you all? जैसा कि मैं हूँ बढ़िया, तो आज आ रहे हैं सेंटेंसेस सीखने. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा नरेशन के अंदर, हम नरेशंस पढ़ रहे हैं. नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? हमने जो सिंपल सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट कर लिए गाइस. उसके अलावा हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे वो भी कंप्लीट कर लिए. और कल जो हमारा टॉपिक रहा था वो था इंपरेटिव सेंटेंसेस का. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस गाइस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सबसे पहले ये देखते हैं. एक्सक्लेमेटरी मींस एक्सक्लेम. एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेम. एक्सक्लेम का मतलब होता है विस्मयता. एक्सक्लेम को हम बोलते हैं विस्मयता, विस्मय होना. ठीक है गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो कोई ना कोई फीलिंग को व्यक्त करते हैं. फीलिंग मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी भावना या कोई इंप्रेशन एक्सप्रेशन ऐसी चीजें छिपी हुई होंगी. गाइस यहाँ पे कुछ हमारे पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं कि यहाँ या तो जॉय की बात की जाती है. जॉय खुशी, खुशी प्रसन्नता. ठीक है गाइस, फर्स्ट होता है जॉय के लिए. एक कई बार आता है इसमें सैड के लिए. ठीक है, तो सैड के लिए उदासी. ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर दिखाया जाता है सरप्राइज गाइस. सरप्राइज होता है आश्चर्य. एक आता है गाइस इसके अंदर ब्रेवो. ब्रेवो जब कोई बहादुरी के लिए या किसी को शाबाशी देने के लिए, किसी को उत्साहित करने के लिए, हम इंस्पायर करने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्रेवो का. एप्यूरेट के साथ में यूज किया जाता है गाइस. यहाँ पे ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं सेंटेंसेस के अंदर. लेकिन मोस्ट थिंग क्या है कि आपको किस प्रकार से पता चलेगा, कौन सा ऐसा वाक्य आएगा या कौन सा ऐसा शब्द आएगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा खुशी है या सैड आ रहा है या फिर आश्चर्य हो रहा है, क्या चीज आएगी? तो हम वो ही देखते हैं. सबसे पहले यदि वाक्य के अंदर आपके सेंटेंस के अंदर वर्ड मिलते हैं आपको ऐसे, तो आपको किस प्रकार से चेंज करना है. यदि आपके आ जाता है अलास वर्ड सेंटेंस में, एक्सक्लेम मार्क के साथ में अलास वर्ड आ जाता है, तो आपको इसे चेंज करना है. याद रखना है कि ऐसे अगर बात हो तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो. गाइस फर्स्ट थिंग ये रखनी है आपको. अगर आपके सामने आ जाता है अलास का, तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो. अगर आपके सामने यहाँ वर्ड आ जाता है हुर्रा, या आ जाता है हा हा, या आ जाता है गाइस हा हा, तो आपको रखना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय. एक्सक्लेम्ड विद जॉय. अगर आपको वर्ड मिलता है वाट है, या तो वाट आ जाता है या फिर सरप्राइज के लिए आ जाता है कोई ऐसी बात जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, है देन हमें यूज करना है. या फिर आ जाता है आपके पास में हाउ लुक, हाउ फास्ट, देन आपको यूज करना है वही वापस से. एक्सक्लेम तो लगाना ही है, एक्सक्लेम तो रखना ही है, उसके अलावा आपको यहाँ पर डाल देना है सरप्राइज. ठीक है, ये थिंग्स आपको ध्यान में रखनी है. इनमें से ही आपको यूज किए जाते हैं. ब्रेवो आए तो ब्रेवो के जगह आपको एप्लूड वर्ड यूज करना है, एप्लूडेड. ठीक है, तो हम जो है इनके कुछ सेंटेंसेस हैं उनको कवरअप करते हैं. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं. तो गाइस देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को बना करके किस प्रकार से इसके सेंटेंसेस सॉल्व किए जाएंगे. गाइस ध्यान रखना है कि यदि अलास वर्ड आता है तो आपको सोरो में, अगर आपके सामने हुर्रा या हाहा वर्ड आता है देन आपको जॉय के अंदर कन्वर्ट करना है. अगर व्हाट है, हाउ फास्ट, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट है, ऐसे आते हैं देन आपको यूज करना है सरप्राइज के अंदर. तो गाइस बनाते हैं सेंटेंसेस. काफी टीजी सेंटेंसेस है इसके और काफी समझने वाले सेंटेंसेस है जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं या बना सकते हैं. जैसे कि ही सेड व्हाट एंड ब्यूटिफुल रॉज इज दिस. व्हाट अ ब्यूटिफुल रॉज इज दिस. फर्स्ट ये सेंटेंस था गाइस. सेकेंड देखते हैं, ही सेड टू राम हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग. गाइस कई बार देखने को मिलता है ये सेंटेंस